हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और बहुत अच्छा होगा, आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोगों के साथ, और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे सम्माननीय साथी, शिवसेना के हमारे नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव का अनुमोदन करें। भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज का ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर राजनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वो मैं हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ।
और पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने, जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है, और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी उपस्थित नेतागण है, नड्डा जी है, राजनाथ सिंह जी है, अमित भाई है, हमारे आदरणीय अजीत दादा जी है, वहाँ अभी सभी महानुभव है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और माननीय श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वो भी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आए। मौजूद यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय सांसद सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप भी में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार